प्रिंसेस ऑफ होप, वापसी पे, ग्वादर से वापसी पे ये वही जगह है जहाँ उस दिन इतनी रौनक थी, लेकिन आज हम अकेले हैं और प्रिंसेस ऑफ होप भी अकेली खड़ी है। ये शान भाई से उधार लिया जी जुमला, उन्होंने कहा था कली खलोती है। फ्रेंड्स, हंगोल नेशनल पार्क का गोल्डन बीच माशाल्लाह कुंभलीर से कुछ ही पहले। ओके फ्रेंड्स जी, ये माशाल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं मानी जी चेक पोस्ट पे। ये इन्होंने हमारे भाई की बाइक रेस्क्यू की हुई है। ये जी भाई, बाइक की हालत है ये जिस तरह नीचे गिरी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ भाई बच गए। करीब से आप हालत देख सकते हैं, व्हील थोड़ा टूट गया। और ये आसिफ भाई ये रेफरेंस और रिकॉर्ड के लिए भी ये वीडियो रहेगी। अब यहाँ से प्लान यह कि आसिफ भाई और रजा जो हैं ये बस पे इसको लोड करके हब पहुँचेंगे। आसिफ भाई आगे जाएंगे, रजा उनको सपोर्ट करने के लिए हब तक आएंगे। हम लोग हब पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, खैर करे वहाँ से हम रजा को ले सकते हैं बाद में। ये माशाल्लाह हमारी बाइक्स, और यहाँ पे इन लोगों ने हमें बड़ा सपोर्ट किया जो पुलिस वाले हैं मानी जी चेक पोस्ट पे। पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सपोर्ट किया है। पूरी कोस्टल हाईवे जो है मकरान कोस्टल हाईवे बहुत अच्छी है एक्चुअली, और बहुत सपोर्ट है यहाँ पे। 1244 इधर की हेल्पलाइन है, और माशाल्लाह हमें तो सारे लोग भी बहुत अच्छे मिले हैं वहाँ से, सिंध से लेके ऑनवर्ड्स ग्वादर तक सारे बलूचिस्तान में हमें तो बहुत सपोर्ट मिली है। जितनी बातें हमने सुनी हुई थी हमें तो उसमें से एक बात भी नहीं अभी तक सच्ची लगी, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और अमन भी काफ़ी है इधर माशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये जी माशाल्लाह भाई लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। और ये देखें जी चेक पोस्ट पे पूरी तरह सपोर्ट है। ये कहवा पिलाया है हमें इन्होंने, चेक करें जरा, कहवा पिलाया है जबरदस्त। कुर्सी है लेकर आओ, कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह जी अब देख रहे हैं कि अगर इस टैंकर में हम कहीं लोड कर सके भाई बेस्ट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कौन सा दिन आएगा।
प्रिंसेस ऑफ होप, वापसी पे, ग्वादर से वापसी पे ये वही जगह है जहाँ उस दिन इतनी रौनक थी, लेकिन आज हम अकेले हैं और प्रिंसेस ऑफ होप भी अकेली खड़ी है। ये शान भाई से उधार लिया जी जुमला, उन्होंने कहा था कल ही खलोती है। अच्छा जी, वन सेकेंड। वाह जी वाह, बूजी टॉप से कुछ आगे आ चुके हैं। आई डोंट नो, लाइटर
पहले तो लाइटर वाला नहीं आया, फिर हो गया जी, फिर लाइटर का। बिलाल गुजर भाई और मुनीर सुल्तान भाई हमें नज़र नहीं आए, पीछे से वो आए नहीं है, सो हम दोबारा पीछे जा रहे हैं उनका पता करने। और ये मिट्टी की माशाल्लाह खूबसूरत पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं, बूजी टॉप वाले एरिया की, वहाँ भी इसी तरह की पहाड़ियाँ, बलूचिस्तान की खूबसूरत पहाड़ियाँ माशाल्लाह। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। फ्रेंड्स, हंगोल नेशनल पार्क का गोल्डन बीच माशाल्लाह, कुनमलीर से कुछ ही पहले, सामने इसके एक होटल भी है, दुआ होटल। वो सामने दुआ होटल है माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। वो उसके ऊपर कोई ऐसा ब्रिज सा है, गोल्डन बीच, शायद इसकी सैंड गोल्डन है, एज यू कैन सी हेयर इट इज, इसीलिए शायद इसको गोल्डन बीच कहते हैं। कुनमलीर से कुछ ही पहले हिंगोल नेशनल पार्क का गोल्डन बीच माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, वाह। फैसला करेगा जो यार गति पाओ यार। अच्छा बिलाल साहब जी दस रहे समुद्र जो है पुराने वक्त नहीं, पुराने किधर जो कछुआ इंसान बन गया पता है। अच्छा आज ये फिर बोल मत रात में फिर बोल मत इतनी कैंपिंग कर ली है नहीं इतने नहीं सही फिर सही है बेहतरीन ही गई जी सामने होता है। हाँ जी रुक गए ना परसों पहुंचांगे कराची पुछ लो पुछ लो देख लो कल पहुंच ना मैं फलाना आ गए अस्सी इंसान 200 तो कुछ किलोमीटर सर अगर अस इतने रुक गए तो परसों के यार की चल जा तू पहुंच जा रानी मंदिर भी जाना प्रसाद लेना आओ उत्थे जाके प्रसाद खाने यार और डाकू यार कहना ये डाकू नहीं समुद्री लुटेरे कदा उन्हें एक पर्दा रखा था साडे ते तो ऊपर ही आ भी चुका और जिदे ऊपर पायरेट्स लिखिया होया वो देखो शार्क छाला मारे नहीं है की है you
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एक दोस्त रजा भाई रास्ते में गिर गए थे कल रात जब हम कराची के लिए जा रहे थे, तो हमें रात को यहाँ पे रुकना पड़ा है। जीरो पॉइंट से काफ़ी देर पहले ये एक जो भी हसन होटल है या ढाबा है या जो, और जी ये अभी राइट रहा हूँ हमारी बाइक्स। आई थिंक आप लोगों को नज़र कुछ नहीं आ रहा होगा इस अंधेरे में, लेकिन ये हम थड़ी पे लेटे हुए ये माशाल्लाह सब भाई देख लें आप लोग जाग रहे हैं और ये इस टाइम गपशप लगा रहे थे, तो हमने सोचा चले वी लोग कर लें यादगार लम्हात को कैप्चर कर लें। ट्रक भी था वो ना, ये जी वो ट्रक वाले और वो सब भी बेचारे पता लेने आए अल्लाह।